यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है कंप्लीट हटिया के साथ में, देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको सीढ़ियाँ उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पेड़ पौधा लगाने के लिए स्पेस दिख जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको पोर्च मिल जाता है, छोटा सा आपका पोर्च बना हुआ है। इस पोर्च का मैंने साइज रखा हुआ है 3 बाई 10, 3 बाई 10 का आपका पोर्च दिया गया है, देख सकते हैं 3 बाई 10। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इंटीरियर मिलेगा, गेट आपका 4 फिट का लगा है। साइड से यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको वेंटिलेशन विंडो भी उपलब्ध कराई है, देख सकते हैं गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आप कुछ इस तरीके से बैठक मिल जाती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साइड से भी आपको वेंटिलेशन विंडो दी, इस साइड से भी आपको विंडो उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं आप। बैठक से डायरेक्ट हॉल में आने जाने के लिए कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं डायरेक्ट आप हॉल में आ जा सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस बैठक का मैंने साइज रखा हुआ है 10 बाई 14, 10 बाई 14 की आपकी बैठक दी है, देख सकते हैं 10 बाई 14। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले कुछ इस तरीके से हॉल मिल जाता है, देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आपका हॉल दिया हुआ है। इस हॉल का मैंने साइज रखा हुआ है 11 बाई 12, 11 बाई 12 का आपका हॉल दिया है, देख सकते हैं 11 बाई 12। हॉल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ओपन किचन दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन इस साइड से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई है, देख सकते हैं। इस किचन का मैंने साइज रखा हुआ है 5 बाई 11, ये 5 बाई 11 की आपकी किचन दी है, देख सकते हैं 5 बाई 11। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना मिल जाता है, देख सकते हैं जीना आपका 3 फिट का दिया हुआ, कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है, आपका पैर रखने वाला 9 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है, कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। जीने के जस्ट बगल में यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कमांड दिखती है, जिसका मैंने साइज रखा है 5 बाई 7, ये 5 बाई 7 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमांड दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके छोटा सा रोशनदान दिया, यहाँ पे एग्जास्ट भी आप लगा सकते हैं, 5 बाई 7 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कमांड दी है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है। अगर आप इस गेट से एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके रूम दिख जाता है, देख सकते हैं वेंटिलेशन दोनों साइड से आपको विंडो दी, इस साइड से भी इस साइड से भी। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10 बाई 13, ये 10 बाई 13 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं 10 बाई 13। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 बाई 25 में 2 BHK हाउस प्लान कुछ इस तरीके से कंप्लीट बना हुआ है पूरा, देख सकते हैं कंप्लीट अटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, देख सकते हैं कम से कम खर्चे में बहुत ही बेस्ट प्लान है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं गांव के हिसाब से बहुत ही बेस्ट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप पोर्च के साथ में। उम्मीद करता हूं आज का प्लान बहुत ही पसंद आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद।